परोपकार भरी रही ओडियांको डीएनए ओडिशार गाँ गंडा पुरपल्ली को जातु युवक संघर ना नेताजी नहले उत्कलमणि नारे आज भी समाज रे एमिति लोक अछंती नर सेवा को नारायण सेवार मंत्र करिछंती निजर स्वार्थ पाई नुहे अन्यर सेवा पाई सेमाने समर्पित सते जेमिति संत कवि भीम भोई को कालजयी कविता प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखो देखो केबा सेहु मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हेउ एहा सेमानक जीवनर प्रेरणार स्रोत किछि ओडिया संस्कार और सामाजिक निष्ठा संपन्न व्यक्ति विशेष को नहीं आमर एही विशेष कार्यक्रम समाज कला साधारणतः कोरोना रे संक्रमित होइथिबा व्यक्ति सुस्थ हेबा परे सेमानक घर सानिटाइज करा जाय थाए आ ए सब करबा को केही केही सक्षम थिबा बळे केही केही अक्षम थांती कारण घर को सानिटाइज करबा पई किछि लोक व्यय बहुळ भाबी करि न थांती किंतु सेभळी कोनोसी समस्या नाही बिना शुल्क रे मध्य सानिटाइज करि हेबो कारण अनेक स्वेच्छासेवी संगठन एही महान काम को मागणा रे करि थांती सेमिति गोटिए स्वेच्छासेवी संगठन हेउछि संबलपुर रो स्वाभिमान संबलपुर नामक एक संगठन आसंतु नजर पकाइबा संगठन रो कार्यशैली उपरे सुस्थ संबलपुर गढ़ीबा पाई स्वाभिमान संबलपुर संगठन रो प्रयास कोनोसी व्यक्ति कोरोना रु सुस्थ हेबा परे जदि निज घर को सानिटाइज करबा पाई चाहुछंती ताहले सेमानक पाखरे अति सहज रे पहुंची जांती एही संगठन रो कर्मकर्ता गोटिए फोन कॉल रे घरे पहुंची बिना शुल्क रे करंती सानिटाइज एथि पाई संगठन रो 4 जन सदस्य को मोबाइल नंबर दिया जाय छि ओ 4टी टीम मध्य गठन करिछंती सानिटाइज करबा को हेले प्रत्येक दिन अपराह्न 4टा रु संध्या 6टा पर्यंत एही 2 घंटा भितरे फोन कले सांगे सांगे घरे पहुंची सानिटाइज करुछंती आम सोशल मीडिया रे फेसबुक है व्हाट्सएप आम गोटे बनई छाड़ू जो जहाँ घर आम पॉजिट बाहर कोरोना पॉजिट मैंने फ्री अफ कस्ट्रे आम सानिटाइज करम ग्रुप आड़ आउ सब जगह लोक पहुँच समस्त समर्थन है कि समस्त खर्च कर 2000-3000 सानिटाइज करेंगे बोली तो आम आम ग्रुप आड़ निजे निजे आम निज पकेट मनी का पिला फ्री अफ कस्ट सानिटाइज करुसार आमर 3-4 ग्रुप जाऊँ पर डे गोटे गोटे ग्रुप 4 घर 5 घर कर मैक्सीम 20-25 घर जाए पर डे कर तो भलंटरी तो बहुत भल एफर्ट टे नो डाउट भल एफर्ट है कहीं कि कोरोना टाइम जेन पेनिक क्रिएट हो ना जदि एंता ग्रुप आसपे जेन मैंने सानिटाइज कले किटा ग्रुप जेन कोविड पेसेंट मानक नहीं पहुँचावार जब करें कहीं मोर टाइम कहीं पहुँचावा के भी नहीं थे हाँ कहीं निज घर इवेन रिलेटिव्स भी डरी जाऊँ पेनिक रे फिर भी जड़े मोर बड़सला आंसे हाँ से साहस करी मत नहीं गले क्या मुझे देखे पार्ली एही मागणा सानिटाइज केवल संबलपुर पई करा जैछि एथिपई एमानंको कोनोसी सरकारी सहायता मिलु नाही एहा केवल संगठन रो किछि सदस्य निज उद्यम रे खर्च करी एभली कार्य करूछन्ते एथिपई जीवन प्रति विपद थिले मध्य लोकंको सेवा करबा मानव सेवा माधव सेवा बोली संगठन रो सदस्य कहिछन्ते कोरोना संक्रमित होई सुस्थ हेबा परे महानगर निगम पक्षरु सानिटाइज करबार व्यवस्था रहिछि हेले बारंबार फोन कला सत्ते मध्य कोनोसी कर्मचारी म्युनिसिपालिटी रु आसी पहुंचु नाहन्ते कि सानिटाइज करुनाहंती आउ एभली परिस्थिति रे युवक मानक साहसिकता ही अन्य मानक पई उदाहरण सृष्टि करिछि हम भल हो छै हमको भल हो छै हम सेवा करू छौ आ लोक मने शांति रह हो छन खुश हो छन कि जा हम भल जिनिस करू छन बोलि नै मने देखो लागू छै ठीक है कि भी ना लागवर एतकि रे भी डर ना लागवर हमको आमे तो कहीं कि ग्लोव ग्लोव पिन्ह के जाऊँ ठीक है एंता लगुच लेकिन क्या कर समान ना कले भी ना चले आम गोटे संगठन अच्छा सहमान समलपुर कर घर घर जाकि होम सानिटाइज समलपुर महानगर निगम काम यही थर कितु कौन सी होम सानिटाइज होपर कौन हो झनकर घर जो पजिट बाहर घर जदि सानिटाइज न हुए घर समस्त को संक्रमण हबार आशंका तो बहुत लोग संक्रमण डेली संबलपुर सहर देखुते 500+ हो तो आम सब सहमान संबलपुर समस्त सदस्य विचार कलु कलु कहलु आम कि ना दिन को 18-20 घर डेली सानिटाइज करुचु बिना पाणारे आम पिला मैंने गोटे फोन टे 4टा आम नंबर दि जाए 4 नंबर भितर जेन नंबर के गोटे फोन कले आम संध्या 4-6 सकाले घंटे संध्या 2 घंटा आम प्रोग्राम रखीचु तेज संगठन रही महानता साधारण चर्चार केन्द्र बिंदु पलटि सुंदर हृदय देखेना जाति धर्म प्रत्येक मनुष्य पाखरे किछि किछि भल गुण रहिछि एकथा को प्रमाणित करिछंती नयागढ़ जिलार चांदपुर रो मुसलमान युवक जाफर लॉकडाउन रे गाय संध और कुकुर मानको मुसलमान युवक जाफर अली साहा
निज बंधु मानक सह मिसी खाइबाकु देउथिबा देखिबाकु मिलिछि। आसंतु देखिबा मुसलमान युवकक पशु प्रेम एहि रिपोर्ट रे। मुसलमान संप्रदायर होइ मध्य बुला प्राणी को खाद्य जोगाउथिबार दृश्य देखिबाकु मिलिछि। नयागढ़ जिले में कोरोनार द्वितीय लहर चलता बेले निज जीवन को खातिर नक अंटा भिड़ी आगे आसी मुसलमान युवक जाफर अली शाह। सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जाफर अली शाह जने मुस्लिम संप्रदायर मुसलमान युवक होइथिले मध्य से गाई मानक प्रति एत भल पाइबा देखि अंचलवासी भूरी भूरी प्रशंसा करिछन्ते। विगत लॉकडाउन मानक जी लोक मान असुविधा और हैरान हरकत होते से भितर मुझ सांग सहित मिसी गोटे नूतन अभियोग नूतन गोटे प्रयास करी जो थे कि से निजे अनुसार मुझे अनुप्राणित कर लॉकडाउन मानक लोक मैंने खावाक पा ना सहित सहित जीवजंतु मान सहित गाई मैंने भी जो मैंने रोड रोचे भी पाई पार ना से सहित मुझे प्रति कौन से एक संवेदनाशीलता आसी जो कि मुझे सहित मिसी गाई मान निजे रोसे करपति मिसी से सेवा करने मत किंचित मार्ग सुविधा मिली। सहरांचल मानक सरकार तरफ बुला गाई और कुकुर व्यवस्था होता बेले पंचायत स्तर में यार किसी व्यवस्था होना कोविड एपटे सप्ताह शनिवार और रविवार दुई दिन धरी सटडाउन चली जनबसतिगुड़िक जनशून्य स्थित में बुला गाईगोर और कुकुर खाद्यपाई आउटुपाउट होती परिप्रेक्षी किसी सांबादिक संघ को एकाठी कर जाफर अली शाह निज सहयोग में चाउल गहम पनीपरिया एकाठी रोसे अटो जोगे नहीं बुला गाई और कुकुर खाद्य जोगाउंट बड़ बड़ टाउन मानक सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर बुला गाई गोरु षंढ खाइबा दबापी किंतु पंचायत स्तर से किसी व्यवस्था करना फल पंचायत स्तर और छोट बड़ सहर मानक बुला गाई गोरु षंढ खाइबापी भोक आउटपाउट होने खावाक पा ना फल चार पाँच जन सांग चिंता कलु निज पकेट्रु कि पैसा कलेक्शन कर प्रत्येक शनिवार और रविवार दिन रोसे कर बुला गाई गोरु षंड को खावाक दबापी एमुक प्रमुख भाव में जड़े मुसलिम युवक जाफर अली शाह साहय कले से आमको आर्थिक साय संगे संगे शारीरिक परिश्रम कर रोसे आरंभ कर गोमाता को बांटा पर्यटन बुले बुले संपूर्ण भाव में सहयोग कले आम एरिया जड़े मुसलिम संप्रदायर आम जो बंधु हो सी जो कहले ना आम गाई मान बुला गाई मान खाइबापी दवा यहाँ बड़ मानने आनंदर जिनसा आम पाई बहुत उत्सुक जिनस आम सहित सहयोग दे सीए बड़ उत्कृत जो कहते मानने उत्साहित हो आम सहित सहयोग करते आए सबुर इनभेस्टमेंट कर सब जिन किणा किणाकि करके आजे सहयोग करी आम करूँ सहित आम सहयोग देूँ आ साधारण भी आम अनेक प्रशंसा भी पाई से पिलाटी आम से बंधु जनक मुसलमान युवकों एभली कार्य मानविकतार परिचय सृष्टि कर सारा अंचल जहाँ अन्य मानक एक उदाहरण पलटि। आग को एभली अनेक कहानी रही किंतु समय हो गोटे छोट विरतिर पहाड़ उपरे जल किंतु पहाड़ कांथि बास करुथिबा गाँ लोके सोसिला जल प्रकल्प दाबी पूरण होनथिबारु जल कष्ट भोगुथिले गाँ लोके एहार समाधान पई गाँरे मीटिंग होई स्थिर हला चांदा आदाय करा जाई निर्माण हेबो पानीय जल प्रकल्प ताहा ही मध्य हला किंतु 4 किलोमीटर दूर पहाड़ उपरु पाइप रे गाँ को आसिला झरणा पाणी आउ दूर हला ग्रामवासींक जल कष्ट देखिबा एहि रिपोर्ट। सानख्यमुंडी ब्लॉक झरण ग्रामर शोष मेंटाई झरणा पा मुंदाए पापी नाना दहगंज हो ग्रामवासी एवं ट्याप निकट में गाधोवा सहित अनवरत निर्गत होता विभिन्न कारबार कर दिने एतक पा मिलवा भारी कष्ट गाँव में नलकूप अचल हो पड़ा लोके 4 किलोमीटर दूर पहाड़ चढ़ी झरणा जल संग्रह कर मेटाऊ तृष्णा गाँवर जने बासिंदा तरांग गमा कहती गाँव में मीटिंग करी 4 किलोमीटर दूर पहाड़ उपर झरणा जल को पाइप बिछाई गाँव को आनी छु झरण गाँवर आउ जने बासिंदा मंगला सबर कहते लोकों श्रमदान सांग को ग्राम विकास संगठन सहयोग फल कांश दूर हो पीवा पानी समस्या गाँव रोटे मीटिंग बस सब गाँव लोक सब मिसी मीटिंग कलुजे
ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ କିଣିବା, ସବୁ ଚାନ୍ଦା କରିକିନା ଆମେ ପାଇପ୍ କିଣା ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ। 5 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଆମେ ଝରଣା ପାଣିରୁ ସିରି ପାଣି ଆଣୁଛୁ ସାର୍। ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଆମର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ବର୍ଷା ଦିନ ହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଆମ ପାଣି ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମ ପାଣି ମିଳୁନି ସାର୍। ଆଉ କେତେ ଏମିତି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ? ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାର୍। ପାଣି 4 ମାସ ପାଣି ପାଇପାରୁଛୁ, ବାକି ମାସରେ ପାଣି ଭଲରେ ଆସୁନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ଆଉ କହିଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଗ୍ରାମ ବିକାଶର ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରମଦାନରେ ଗାଁଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଯାଏଁ ବିଛା ଯାଇଛି ପାଇପ୍। ସେଠାରେ ଥିବା ଝରଣାର ଏକ କ୍ଷୀଣ ଧାରାକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଫ୍ଲୋ ସିଷ୍ଟମରେ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝରଣା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ ହୋଇଛି। ସିମେଣ୍ଟରେ କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଲଗାଯାଇଛି ଟ୍ୟାପ୍। ବିନା ବିଜୁଳି ଓ ବିନା ଡିଜେଲରେ ଗାଁରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଁ ଦୂର ହୋଇନି ସମସ୍ୟା। ଖରାଦିନେ ଝରଣା ଜଳ ଶୁଖିଗଲେ ଟ୍ୟାପ୍ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଝରଣା କିଭଳି ବଞ୍ଚିବ, ଏବେ ସେ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। 8 କିଲୋମିଟର 8 କିଲୋମିଟର ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଆଣିକିରି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଯେ ଏବେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ 6 ମାସ 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଣି ସରକାର ତ ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣିନି ଆପଣ ଏବେ ଆଉ ଯୋଗୁନି ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ହେଲେ 8 ମାସ ଯୋଗୁଛି, 4 ମାସ ଯୋଗୁନି, ଏମିତି ଅସୁବିଧା। ଝରଣା ଜଳକୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଝରଣା ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜର ଏକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଦିଗରେ ସରକାର ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଫ୍ୟାସନର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି ବାଉଁଶ ଜୁଏଲାରୀ। ଗାଁ ଓ ସହରର ଯୁବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଦୃତ ହେବା ପରେ ଏହାର ଚାହିଦା ପୂରଣ ସହିତ ଏହି କାରିଗରୀକୁ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ ଚାନ୍ଦିଲି ଗାଁର ଯୁବତୀମାନେ। ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ଚାନ୍ଦିଲି ଏବେ ବାଉଁଶ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରିର ହବ୍ ପାଲଟିଛି। ଦେଖିବା ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ। ବଡ଼ଚାନ୍ଦିଲି ଗାଁର ଏହି ଝିଅମାନେ ନୂଆ କରି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଉଁଶ ତିଆରି ଅଳଙ୍କାର। ଏ ସବୁ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ବାଉଁଶ ନିର୍ମିତ ଚୁଡ଼ି, ମୁଣ୍ଡରେ ହେୟାର କ୍ଲିପ୍ ଓ କାନରେ ଇୟରିଂ ପିନ୍ଧି ନିଜର ଖୁସିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବତୀମାନେ। କିଏ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ବାଛି ବାଛି ପିନ୍ଧୁଛି ତ କିଏ ଅନ୍ୟକୁ ପିନ୍ଧାଇ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ଏ ସବୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ମନ ପୁରାଇ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁଲାକା କହିଛନ୍ତି, ବାଉଁଶରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୁଏଲାରୀ ହୋଇପାରିବ ଶୁଣିନଥିଲୁ କି ଦେଖିନଥିଲୁ। ସ୍ପର୍ଶ ସଂଗଠନ ଆମକୁ ଆଇଡିଆ ଦେଲେ, ଏବେ ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ଶିଖି ନେଇଛୁ, ଆମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ସାର୍, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଯେ ବାଉଁଶରେ ବି ଏମିତି ସବୁ ଜୁଏଲାରୀ ତିଆରି ହେବ, ଆମେ ଶୁଣି ବି ନଥିଲୁ। ତ ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବୁ କି ଯେ ଆମକୁ ତ ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇକି କହିଲେ କି ଯେ ବାଉଁଶରେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ। ତ ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା କି ଯେ ଆମେ ବାଉଁଶରେ ସବୁ ଏମିତି ତିଆରି କରିବୁ। ତ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତ ଆମ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ର ଆମେ କାହିଁକି କରିବାନି? ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ସଂଗୃହିତ ସବୁଜ ଓ ହଳଦିଆ ବାଉଁଶକୁ କଟାଯିବା ପରେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମସୃଣ କରାଯାଉଛି। ପେନ୍ସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ କରାଯାଉଛି ଡ୍ରିଲିଂ। ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର କଟା ବାଉଁଶକୁ ଘଷି ଘଷି ପଲିସ କରୁଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଯୁବତୀ। ଇଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲନରା ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ବଡ଼ଚାନ୍ଦିଲି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁର ଯୁବତୀମାନେ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଉତ୍ପାଦିକା ସଂଘ ଗଢ଼ି ଏଭଳି ତାଲିମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି ଶିଖୁଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରକାର କାରିଗରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ପର୍ଶ ସଂଗଠନ ବାଉଁଶ ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମିନି ସିଂ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ନବୀଶମାନେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଅର୍ଡର ଆସିଲେ ଅଧିକ କାମ ହେବ ଓ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ମିଳିପାରିବ। ଗାଁର ଜଣେ ମୁରବୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ପେଦେଣ୍ଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବାରେ ସହାୟତା କରିବ। हमारा मेन मोटिव है गांव के जो बच्चे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, इनका फ्यूचर कैसे आगे सिक्योर हो, इनके डेवलपमेंट में के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है बैम्बू ट्राइबल ज्वेलरी का, ये हमने यहाँ बड़ा चांदली गांव में स्टार्ट किया है। हमारा मेन मोटिव था कि गाँव के लोकल रिसोर्सेज को, जो ट्राइबल कल्चर है उसे हम कैसे प्रमोट करें, दुनिया के सामने लेकर आए और इन्हीं बच्चों के द्वारा लेकर आए जो गाँव की जो लड़कियाँ हैं। तो इसी यही हमारा मोटिव था इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले। एटा तो बहुत आनंद कथा आ मु स्वागत मत कल से मानक सब आसिले दिन आसिक आम गाँव में बालक मान डाक बसिलु बसापर कथा बार पिला कहला ठीक अच्छे आम जदि यह जी बाँस जिन भी आगे जो आम भल हम तैयारी होइछि नाना प्रकार अलंकार क्लिप चुड़ी इयररिंग माली और हार सहित रेशमी सूतार मंजी काठी स्टोन और बाउंश पातिया प्रस्तुत आकर्षणीय राखी तैयारी परे सुंदर भाव सजा हो रही। माँ संतोषी उत्पादिका गोष्ठी मुरबी गुप्तेश्वरी आडमका कहते आगक राखी पूर्णिमा आसुची चाहिदा को दृष्टि रखी प्रस्तुत होउंश एक शुभ द्रव्य जैव विघटन सामग्री प्लास्टिक प्रदूषण प्रति सचेतन लोके आम उत्पाद को निश्चय पसंद करिबे। आमे जो बाउंसरी तैयारी करूछु ज्वेलरी नेक पीसेस आउ एबे राखी को सामना रे धरी के आमे राखी भी तैयारी करबे स्टार्ट करूछु। आउ ए राखी गुडा को आमे माने लोकों को डिमांड अनुसारे आमे कस्टमाइज भी करके दे पारिबो तांको। बाउंसर जेहेतु शुभ आउ आमे जो प्रोडक्ट यूज करूचु बीट्स गुडा को होबे जोटा भी हो से गुडा को नेचुरल जिंस जोटा की बायोडिग्रेडेबल। कार्यक्रम रे समय हिछि आउ एक छोट बिरति रो उत्कट दारिद्र्य जोगु शैशवरु छाडीथिले घर कंधमाल दारिंगबाडीरु आसी मुंड गुंजीथिले भुवनेश्वर रे असहाय दुइचय रुनी ओ झरणा को कोळै नैथिला स्नेह नामक एक संगठन 4 वर्ष बयसरु राजधानी रे रही पढ़िबा सह एहि दुई बणमल्ली फुटबल खेल प्रति देखाइथिले आग्रह। प्रशिक्षण पाइबा परे खेल रे पारदर्शिता देखाइथिबा एहि दुई झियंकु निकटरे मिलिछि ओडिसा पुलिस रे कनिस्टेबल चाकरी। एबे समस्तक मुहरे एहि दुई झियंक प्रशंसा आउ एभळी अनुष्ठान रो प्रयास को सबुठी प्रशंसा मिलिछि। पडिया रे गडुछि फुटबल बॉल को निज आयतरे रखिबा पई अभ्यास करुछन्ति दुई युवती। विभिन्न प्रकार कौशल प्रदर्शित करने सहित उभय उभयू सहायता करुवती दुईज होती झरणा मल्लिक और रुनी नायक सेमान सहित स्नेह संगठन में प्रतिपात हो जड़े सहयोगी अभ्यास जगद फुटबल खेल से नुआ परिचय देवा सहित सरकारी चाकरी देती झरणा मल्लिक झरणा कहते जे आमे बहुत असुविधा थिलु छोट बेलु मते आनी एठारे छाड़ी दिया गला एठाकु आसी पढ़िया पई सुजोग मिलिला पाठ पढ़िबा सहित खेलिबा दिगरे अनुष्ठान आमकु प्रशिक्षण देला। झरणांक भली समान दुख रुनिंकर पिला बेलु से एठारे रही पाठ पढ़िबा सहित खेलरे सफलता पाइछंती। झरणा कहंती मते एबे चाकरी मिलिबा परे मो बापा मां भाई भौणी समस्ते खुशी अछंती। जर्नीटा फर्स्ट टाइम टिके डिफिकल्ट थिला छोटे इतलु आमे फुटबॉल विषय किछि जानि नथिलु बस आमे पढ़िबा पई आसीथिलु। तापरे हॉस्टल जेतेले धीरे धीरे आमे पेपर पढ़िलु सब खेलाड़ी मानक ना पढ़िलु जानलु। तापरे आमे हॉस्टल रे एई आश्रम रे गोटे मामाली दास बोली गोटे झीडा थिला से बहुत माने खेलै पई तर बहुत इंटरेस्ट थिला किंतु से खेलिया गला तापरे आमे गलु ताकु देखिकि से कोनोसी कारण से खेल छाड़ देला। तापरे आमे वर्तमान 3 जन खेल कंटिन्यू करूछु फाइनाली एबे दुई जणकर हमर जॉब हेइछि कांस्टेबल पोस्ट मिलिछि बहुत खुशी लागुछि हम पई जेतु हम गांर बहुत असुविधा रे थिलु पढ़िया पई चांस मिलला पढ़िलु ग्रेजुएशन कंप्लीट करलु तापर फाइनली जॉब मिलला। 2004 रे मु भुवनेश्वर आसिली तापर एठि आश्रम रे रहिलु आमे तापर हमर एठि मामाली दास बोली गोटे झियो थिला से फर्स्ट खेलिया को गला तापर तारठ देखि कि आमे सब गोलु खेलिबा पई हेले से खेल छाड़ी देला आमे कंटिन्यू करलु।
ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ, ସକାଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ। ମାଆ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜବ୍ ପାଇଲି, କେତେ ଦିନଠୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପକାଇଥିଲୁ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ତାପରେ ଏବେ ମିଳିଲା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଝରଣା ଓ ରୁଣିଙ୍କ ହାତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆରକ୍ଷୀର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। ଖେଳରେ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ଏଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ଉଭୟ ଖୁସି। କନ୍ଧମାଳରୁ ସାଲିଆ ସାହି ଓ ସେଠାରୁ ସ୍ନେହ ସଂଗଠନର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷକୁ ଶାଣିତ କରାଇଛି। ସ୍ନେହର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି, ରୁନି ଝରଣାଙ୍କ ଭଳି ଏଠାରେ 50-60 ଝିଅଙ୍କୁ ରହିବା ଓ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ସଂଗଠନ। ମାମାଲି ଦାସ, ଟିକି ପାତ୍ର ଓ ରିଙ୍କି ପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ନାଁ କରା ଖେଳାଳି ଏଠାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଝରଣା ଓ ରୁନିଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଖାପାଖି 2002-03, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, 2004 ସେମାନେ ଆସି ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ସେଇମାନେ ଏଇଠି ରହିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହନ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା, ସେ 2 ଜଣ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି 5-6 ଜଣ ପିଲା ତାଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି, ମାମାଲି ଦାସ ଏବଂ ଟିକି ପାତ୍ର, ରିକି ପାତ୍ର, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳି ଏମାନେ ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗତ ନନ୍ଦ ସାର୍ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଖେଳ ଶିଖାଉଥିଲୁ, ଶିଖିବାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ, ଏମାନେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏମାନେ ବି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଛାଡ଼ିଲୁ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ 2015-16 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଗତ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇକରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ତାଲିମ ନେଉଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ବି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଖେଳ କୋଟା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷ ଖେଳ କୋଟା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ଅନୁସାରେ ଏ 2ଟା ପିଲା ସହିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକାଡେମୀର ଆହୁରି 3 ଜଣ ସମୁଦାୟ 5 ଜଣ ପିଲା ଖେଳ କୋଟାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର 2ଟି ପିଲା ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଚାକିରିରେ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏମିତି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ସମାଜସେବାର ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଆଉ କେତେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ? ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।